जिसकी शुरुआत आज हुई है। लेकिन पीएम मोदी के जन्मदिन पर देश ने आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। पहली बार देश में एक दिन के भीतर 2 करोड़ कोविड वैक्सीन लगाई गई। पहली बार देश ने कोरोना वैक्सीनेशन की ऐसी रफ्तार देखी। देश में कोरोना वैक्सीनेशन के आंकड़े इतनी तेजी से बढ़ रहे थे कि हर 5 सेकंड में ये नंबर 1000 बढ़ जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पूरे देश में सुबह से जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो सुबह 8 बजे ये आंकड़ा था 1,03,951। 8 से 9 के बीच 3,22,430 लोगों को वैक्सीन लगी। 9 से 10 बजे के बीच 6,08,205 लोगों को डोज दी गई। 10 से 11 बजे के बीच 14,91,394 लोगों को वैक्सीन लगी। 11 से दोपहर 12 बजे के बीच 22,19,780 डोज दी गई। 12 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच 24,25,634 लोगों को वैक्सीन लगी। और इस तरह से देर शाम तक वैक्सीनेशन की रफ्तार बनी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने वैक्सीनेशन का ये अभियान चलाया। लक्ष्य रखा गया था एक दिन में वैक्सीन की 2 करोड़ डोज देने का, लेकिन शाम 5 बजे तक ही वैक्सीन की 2 करोड़ से ज्यादा डोज दी जा चुकी थी। वैक्सीनेशन के मामले में ये एक नया विश्व रिकॉर्ड है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जिस वक्त दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में वैक्सीनेशन का जायजा लेने पहुंचे थे, उसी वक्त 2 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका था। लड्डू खिलाकर उन्होंने इस कामयाबी के लिए खुशी भी जाहिर की और कहा कि हमने कर दिखाया। थैंक यू ऑल हेल्थ वर्कर्स, वेल डन इंडिया। देश के अलग अलग राज्यों के तमाम शहरों की तस्वीरें देखिए जहां वैक्सीनेशन के लिए सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लग गई थी। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर स्टॉक भी कम नहीं था। लोगों को तेजी से वैक्सीन लगाई जा रही थी। आंकड़े कहते हैं कि बीजेपी या यूं कहें कि एनडीए शासित राज्यों में वैक्सीनेशन की रफ्तार जबरदस्त थी। शाम 7 बजे तक बिहार में 25,06,814 डोज, उत्तर प्रदेश में 23,24,894 डोज, मध्य प्रदेश में 22,29,013 डोज और गुजरात में 16,91,762 डोज दी जा चुकी थी। जबकि उसी वक्त तक यानी शाम 7 बजे तक पश्चिम बंगाल में 3,43,993 डोज और दिल्ली में 1,51,587 डोज दी गई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जहां अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, वहां वैसे सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक डोज देने की प्राथमिकता रखी गई है जो इसके पात्र हैं। शुरू में हमारे विरोधी दल जो सब बोल रहे थे जी कहाँ गई वैक्सीन, क्या हुआ, और वो भ्रम फैला रहे थे, झूठ फैला रहे थे, उसके कारण वैक्सीन हेजिटेंसी हुई। अभी तो असली खुशी की बात है, एक वैक्सीन हमारे यहाँ बन रही है बड़ी लार्ज नंबर्स में और वैक्सीनेशन ड्राइव जो है मैच्योरिटी तक पहुँच गई है। दिल्ली से लेकर पटना तक, लखनऊ से लेकर भोपाल तक पीएम मोदी के जन्मदिन को अलग अलग तरह से मनाया गया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्यांग बच्चों के बीच मोदी के जन्मदिन की खुशियां बांटी। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने हाथों से कैनवस पर मोदी के लिए बधाई संदेश लिखा। भोपाल में शिवराज सिंह चौहान ने पौधा लगाया, जबकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 20 दिनों तक ब्लड डोनेशन कैंप चला रहे हैं। पीएम मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में इस दौरान अलग ही रंगत नजर आ रही है। वाराणसी में तमाम दिए जलाकर पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी गई। दशाश्वमेध घाट पर विशेष गंगा आरती भी की गई। बीजेपी 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सेवा और समर्पण कार्यक्रम चला रही है। 7 अक्टूबर तक कार्यक्रम इसलिए चलेगा क्योंकि 20 साल पहले 7 अक्टूबर को ही मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।